2017 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव अलायंस के साथ मैदान में उतरे थे, इसके बावजूद भी बीजेपी को मात नहीं दे पाए। एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ताल ठोक दिया। हमारे साथ मुरादाबाद के वो बुद्धिजीवी लोग हैं जो राजनीति की जानकार हैं और सियासत से और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं इस अलायंस को लेकर, इनके दिमाग में, इनके मिजाज में इनका क्या नज़रिया है। एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव अलायंस में हैं और जो चुनावी टाल ठोक दी है, क्या मानते हो ये जो अलायंस है ये कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का अलायंस नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का अलायंस है और इसमें विभिन्न विभिन्न जो पार्टियाँ हैं उससे इंडिया गठबंधन इतना ताकतवर हो गया है कि निरंतर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकल रही है उसमें जनता का अपार जो है उन्हें सहयोग प्रदान हो रहा है। और यही जो है लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर मोदी को कड़ी टक्कर देगा और भारी मतों से हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, मुरादाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, एट प्रेजेंट यहाँ भी लोकसभा सांसद हैं एसटीएसएन लोग, 2024 के चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मानते हो बीजेपी को हराने को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद में कभी चुनौती रही नहीं है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का रहा हो। आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के 6 में से 5 MLA हैं और 1 MLA भी हमारे 700 वोटों से बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी से तो कोई चुनौती हमारी रहती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हम ऐसे जीतते हैं जैसे दूध में से हमने मक्खी निकाल दी। और एक मिनट, जो आप कह रहे हैं कि अलायंस कितना कामयाब होगा, जो 2017 में अलायंस बना था तो उस वक्त बीजेपी एक नई दुल्हन की तरह थी, लोगों ने उसमें विश्वास था कि बेहतर होगी, लेकिन उसने घर में आते ही घर बर्बाद कर दिया। तो अब लोग समझ चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, अब लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के अंदर अपार जन समर्थन मिल रहा है। वो 80 में से कम से कम 70 सीटें जीतने का काम करेंगे और उस यूपी के साथ साथ पूरे देश की तस्वीर बदलने वाली है। भाजपा नारा दे रही है अब की बार 400 पार, क्या देखते हो इतना? देखिए, भाजपा का नारा मेरे तौर से अगर व्यक्तिगत तौर से देखा जाएगा कि अब की बार जो महंगाई की खाने पीने की चीज़ें उन पे तो 400 पार वो जा सकते हैं। जैसे अभी लहसुन का रेट देखिए, प्याज का रेट देखिए पिछले दिनों में कितना गया, तो खाने पीने की चीज़ों में महंगाई तो वो 400 पार जा सकते हैं लेकिन सीटों में 400 पार नहीं जाएंगे। और कोई भी नहीं चाहेगा भारतवासी कि इंडिया इस बार हारे, इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के उसमें जनसैलाब उमड़ रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, जिससे भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है और उसकी बेचैनी अब बहुत जल्द जनता जो है उसे सत्ता परिवर्तन रूप में उसे पूरा करके दिखा देगी। ये 2024 का चुनाव होने वाला है, इसमें अलायंस हुआ है, इसमें मेनली यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और आज अखिलेश यादव आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े भी हैं, क्या मतलब कितना असर डालेगी? देखिए, ये दो लड़के जो है 2017 में भी आए थे और अब ये 2024 में भी आ रहे हैं, तो ये दो लड़के तो बड़े ही हो गए, नहीं दे रहे। ठीक, 17 में क्या हशर हुआ था सबको पता है और अब क्या असर होगा ये भी मालूम है सबको, ऐसा नहीं है लोगों को मालूम नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि ये जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जो हुआ है ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुआ है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो ये रैली जो जो यात्रा निकाली थी ये हिंदू बहुल इलाके से निकाल के दिखाते, ये रामगंगा विहार, बुद्धि विहार और लाइन पार में निकाल के दिखाते, ये मुस्लिम इलाकों में आप निकाल के मुसलमानों को फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस बात पर बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपको टिकट ना आपको टिकट देंगे हम, ठीक ना, आपको हिस्सेदारी देंगे, अब वोट आपने हमें देना है। यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीट हैं, जिन 80 लोकसभा सीटों के अंदर 24 और 25 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुसलमान एमपी बन सकता है। तो आज तक कांग्रेस ने कितने मुस्लिम एमपीओ को यहां से जिताया या समाजवादी ने कितने मुस्लिम एमपीओ को जिताया यहां से, हमेशा गिनती 2, 4 और 5 की ही रही है, वो भी मुसलमानों ने बहुत मेहनत करी उसके ऊपर। आगे जाके भी आप देखिएगा ये पूरा गठबंधन जो है ये ठगबंधन साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर मुसलमानों की बात नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर अखिलेश भी खुश हैं, मायावती भी खुश हैं और मोदी भी खुश हैं। देखिए सलाउद्दीन भाई, आप पसमांदा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पसमांदा समाज किस ओर जाने वाला है और कितनी सीटें अलायंस को मिलने वाली हैं और कितनी भाजपा को सीटें? देखिए, एक बात मैं ये बता दूँ, 3 जुलाई को हैदराबाद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसमांदा समाज को जगाने का काम किया और आज तक आपको ये भी मालूम होगा कि हिंदुस्तान के अंदर 85% पसमांदा समाज के लोग रहते हैं और उन्हीं के वोट से सारी पार्टियों के लोगों के लोग जीतते चले गए और पीछे से दूसरी पार्टियों को समर्थन देते चले गए और अपना काम करते चले गए और पसमांदा समाज को ठेंगा दिखाते गए। 2019 के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मोदी जी को आशीर्वाद दिया था कि दूसरी बार आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज हम मुरादाबाद की धरती से पसमांदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से प्रधानमंत्री जी को
कहना चाहते हैं कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है इंशाल्लाह ताला। राशिद भाई, अलायंस में आप भी लेकिन ऑफिशियल पुष्टि है या अभी नहीं है, लेकिन यह आप इस अलायंस को कितना मानते हो, कितना कारगर साबित होने वाला है यूपी में? देखिए, एक राजनीतिक चिंतक के तौर पर मैं अपनी बात आपके चैनल पर रखना चाहता हूँ। जो धरातल पर सत्य है वो ये है कि इंडिया गठबंधन जब बना था तो वो एक मकसद को लेकर बना था, और जो इससे लोग जुड़े थे, जो पार्टीज जुड़ी थी, वो एक मकसद को लेकर जुड़ी थी। तो कहीं ना कहीं जब वो गठबंधन आगे बढ़ा, वो मकसद जो है उसका अभाव दिखा, और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत आकांक्षाएं वो आगे आईं, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे वो संयोजक बनने की बात हो। तो अब जाकर परिस्थितियां थोड़ी सी संभली हैं, थोड़ा दोनों ने बड़ा दिल दिखाया है और थोड़ा आगे आए हैं, सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर की बात मैं करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये गठबंधन तभी प्रभावी हो सकता है जब तक कि बीजेपी का एंटी हिंदू वोट इस गठबंधन को ना मिले, या फिर जो दलित वोट जो गेम चेंजर है वो दलित वोट इस तरफ ना आए। मुरादाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, मुराद के में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और 6 में से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के, एकमात्र विधायक बीजेपी के हैं, तो इस चुनाव में मैं कितनी बड़ी चुनौती मानते हो आप? इसमें इंडिया गठबंधन जो हुआ है, अखिलेश यादव और राहुल जी, ये इसमें नोरा किश्ती है, कौन कितना ज़्यादा ऊंचा उठ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इनमें किसी की ताकत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इतना ऊंचा हो गया है कि इनके हाथ तक नहीं पहुंच पा रहे, और दुकानें सजा करके बैठे हुए हैं कि ये दुकान मोहब्बत की इस पला की। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबके विकास पर कार्य चल रहा है, और माननीय मोदी जी ने दिखा दिया, सर्व समाज का काम हो रहा है, हर किसी को योजनाएँ मिल रही हैं, आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं, यहाँ तक कि ये लगा लीजिए हर घर, जो घर गरीब व्यक्ति था जो घर नहीं बनाया पाता था, तो 2.5 लाख रुपए का उन्होंने बीमा दे दिया गया, कि 2.5 लाख रुपए लेकर के आयुष्मान अलग दे दिया गया, जो 5,000 रुपये नहीं कर दे पाता कोई अपना भाई सगा, आयुष्मान कार्ड दे दिया गया, 5 लाख का जीवन बीमा दे दिया गया। मुरादाबाद से कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल गुजरी है, कैसा माहौल है, क्या ये न्याय जो भारत जोड़ो या न्याय यात्रा यहाँ निकल, क्या आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, कल अखिलेश जी और राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उसमें जनता का भरपूर एक जनसैलाब। अखिलेश जी तो आज आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जुड़े, कल तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुरादाबाद में थी। जब राहुल गांधी और अखिलेश जी आज आगरा में आएंगे, वहाँ पे भी एक भरपूर उनको समर्थन मिल रहा हैगा। और देखिए, देश अब बदलाव चाहता हैगा, क्योंकि 10 साल भाजपा ने नोरा कुश्ती करके दिखला दिया हैगा कि वो 0/0 हैं, 0/0 हैं। कोई भी मुझे ज़मीनी स्तर पर काम बता दिए, वो सिर्फ TV पर हैं, चैनलों पर हैं, और ज़मीनी स्तर पर कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, वहीं आने वाला वक्त बताएगा कि ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव का ये अलायंस कितना कारगर साबित होता है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 8, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।